सब्सक्राइब टू हर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम खोया हुआ आदमी इस पाठ के दूसरे हिस्से का आज हम वाचन करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वो खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वो एक गरीब स्त्री थी, यानी उस खोए हुए आदमी को एक बूढ़ी औरत ने, वृद्धा ने, वृद्ध यानी बूढ़ी औरत ने अपना बेटा समझ लिया, जो घास काटकर, उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। वो बूढ़िया यानी वृद्धा क्या काम करती थी? वो घास काटती, उपले थापती, पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा करती। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। यानी खोया हुआ आदमी उस वृद्धा, उस बूढ़ी औरत के साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। खोए हुए आदमी ने अपनी उस माँ की इतनी सेवा की, इतनी खिदमत की कि उस वृद्धा यानी उस बूढ़ी औरत को ऐसा लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। यानी धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे कि धीरे गांव खोया हुआ आदमी कैसा है। वो पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, यानी वो पशु पक्षियों से बातें भी करता हुआ नज़र आता। लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वो आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। यानी वो बहुत ही ज़्यादा होशियार था। आंधी तूफान, चक्रवात और ओले और टिड्डी के हमले से पहले ही वो लोगों को बता देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। यानी खोया हुआ आदमी जब भविष्यवाणी करता तो उसकी भविष्यवाणी से गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव के किए में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देख कर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की कि कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गाँव में सबका चहेता हो गया। यानी एक मर्तबा वहाँ पर खहत पड़ा था और सूखा पड़ गया था तो खोए हुए आदमी ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की तो बारिश हो गई। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वो दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझता, उन्हें समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया, आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी खोए हुए आदमी ने ऐसा काम किया कि जिसके चलते मुसलमान दलित जो गांव के दूसरे छोर पर रहते थे वो हिंदू और मुसलमान सब मिलकर ईद, दिवाली, होली मनाने लगे और गांव में एकता बढ़ गई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वो आपस में निपटा लेते। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए, उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी।
यानी खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को यानी औरतों को उनके अधिकार समझाया और पुरुषों को भी समझाया, तो इससे खोए हुए आदमी के समझाने से स्त्री अपने अधिकार जानने लगी और उनके वहाँ के जो पुरुष थे यानी मर्द थे वो अपने अधिकार का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते थे। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की ज़मीन तो थी पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलता। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वो खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेतीबाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए, प्रशंसक यानी तारीफ करने वाले। अब खोए हुए आदमी ने गांव के हालात पर तवज्जो दी तो उसने देखा कि गांव में खेती की ज़मीन है लेकिन बीज नहीं, खाद नहीं, तो उसने वहाँ पर गांव वालों को दुकान खोलने का मशवरा दिया, जिसे लोगों ने समझा। खूब मेहनत की, वो गांव वालों के साथ मेहनत करता था और इस तरह गांव में खुशहाली आ गई। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वो हर सफलता को गाँव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। यानी शुरू शुरू में लोग सवालिया प्रश्नवाचक यानी सवालिया निगाहों से खोए हुए आदमी को देखते, लेकिन आज धीरे धीरे उस पर वो विश्वास यानी भरोसा करने लगे और उसके प्रशंसक यानी उसके तारीफ़ करने वाले बन गए। और लोग कहते कि उसके अंदर जादुई शक्ति है, लेकिन खोए हुए आदमी ने बताया कि ये सब गाँव वालों के परिश्रम का नतीजा है। वो लोगों से कहता, आप सबके पास भी वो शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी के ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों ने नया जोश, नया उत्साह आ गया। यानी वो लोगों को अपने खुद को पहचानने में, खुद की शक्तियों को, ताकत को पहचानने में मदद करता, रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाने के लिए कहता। इससे लोगों के अंदर एक उत्साह और जोश भी आ गया। पर अंत में वो दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद ख़राब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की थुकथुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। यानी एक मर्तबा मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और बादलों की भीषण गड़गड़ाहट हो रही थी और वज्रपात यानी कि अचानक बिजली का गिर जाना, तो ऐसा लगा कि वहाँ किसी कहीं पर बिजली गिरी है और लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। सारी रात मौसम बौराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज़ गंध पूरे गाँव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियाँ दरवाज़ों की झिरियों में से घुसकर ये सभी घरों में समा गई। यानी कहीं पर बिजली गिरी थी और उसी से गंधक की वहाँ पर सुगंध आ रही थी। बाद में पता चला कि ये शहर के कारखानों में गैस का रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। यानी बाद में पता चला कि ये जो है बिजली का जो गिरना समझ रहे थे, बल्कि ये शहर के कारखाने में गैस का रिसाव और विस्फोट का दुष्परिणाम था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वो खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। यानी जब वो वहाँ पर पहुँचे, देखा, ढूँढे, तो खोया हुआ आदमी उन्हें नहीं मिला।
वो गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता ना चला। ना जाने उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए, सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सुनी लगने लगी, पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए, गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे, गांव के कुत्तों की आँखों में भी आंसू थे। यानी खोए हुए आदमी की प्रसिद्धि यानी उसकी शोहरत इतनी ज़्यादा थी, उसे सब लोगों ने ढूंढा लेकिन वो ना मिला तो हर कोई रोने लगा, गांव की गलियां सुनसान हो गई। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठक अब इस मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया यानी कसम खाई कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वो स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। यानी खोए हुए आदमी से लोग इतने ज़्यादा खुश थे और उसकी बातों से प्रभावित थे कि उन्होंने वहाँ पर उसकी मूर्ति बिठा दी और वहीं पर पंचायत की बैठक बैठा करती और वो उसके दिखाए गए सरल मार्ग पर चलते। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी ना तो अपनी जाति याद थी ना अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के भी बारे में उनकी स्मृति उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। यानी जो याददाश्त है उसमें जाति धर्म ये सब गांव वाले भूल चुके थे और यहाँ पर ये आपको पैगाम दिया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है कि आपने भी जाति धर्म को भूलकर सब 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 चीज़ें खोए हुए आदमी के दिए गए मार्ग पर चलकर आपको भुलानी है और अच्छे रास्ते पर चलना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।